हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कमिथ्री शेप के बारे में, और मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 पॉइंट्स जो आपको एक एक करके अभी बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए लेके आया हूँ शेफ इंटरव्यू बुक, जिसको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हम शुरू करते हैं आज का पॉइंट नंबर 1, कटिंग स्किल्स। आपको कटिंग स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आपको बोलता है कि ये काट के लेके आओ, तो आपको वहाँ पे काट के देना पड़ता है, तो इसके लिए आपको कटिंग स्किल्स आना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, क्लीन। आप जो भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहाँ की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, तो आप जहाँ पे भी काम करते हो उसको क्लीन रखें और वहाँ पे सफाई से काम करना सीखें। नंबर 3, फ्रीज चेक। आप जब भी आते हो तो आपका जो फ्रिज है जो डिपार्टमेंट में है उसको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे क्या क्या सामान है, क्या क्या नहीं है, वो कितना साफ है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। अगर साफ़ नहीं है तो उसको साफ करके रखना है, और जो सामान है उनको मिला के रखना है, तो आपको आके फ्रिज चेक करना है। नंबर 4, वेजिटेबल को वॉश करना, कटिंग करना, बॉइल करना, ये आपका काम है। तो क्या क्या चीज़ें आपके पास है या नहीं है, वो सारी चीज़ आपको तैयारी करके रखना है। नंबर 5, सेटअप लगाना। जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको सेटअप लगाना है, जैसा कि बहुत सारे ग्रेवीज है, वाइट ग्रेवी है, येलो ग्रेवी है, मक्खनी ग्रेवी है, कांदा मसाला है, ये सारी चीज़ को आपको गर्म करके वहाँ पे सेटिंग में लगाना है। फिर आपका बहुत सारा धनिया, पुदीना, ग्रीन चिल्ली, गार्लिक, ये सबको चॉप करके रखना है। फिर आपका रेड चिल्ली पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्रीम, बटर, चीज़, ये मावा, ये सबको आपको वहाँ पे सेटिंग में लगाना है। नंबर 6, मसालादानी। आपको मसालादानी भर के रखना है, जैसे रेड चिल्ली पाउडर है, किचन किंग, चाट मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, वो सारी चीज़ आपको मसालादानी में भर के रखना है। नंबर 7, स्टोर रिसीविंग। जो भी स्टोर आपका सेफ, आपका सीनियर वहाँ पे लिख के देवा रहता है, उसको आपको रिसीव करना है, क्योंकि ये काम भी ज़्यादा करके कमिथ्री से भी करते हैं। नंबर 8, टैग। आपको कोई भी चीज़ फ्रिज में रखने से पहले उसमें टैग लगाना है, जैसे आपने कोई भी चीज़ को आज बनाया या कुछ चीज़ कटिंग करके आज रखा, तो उसमें उसका नाम लिखना है, आपने क्या चीज़ फ्रिज में या कोल्ड रूम में रख रहे हो, और उसमें डेट लिखना है, कौन सा डेट में आपने उस चीज़ को बनाया। जैसा कि आज आपने कुछ चीज़ें बनाया, तो आज आप डेट लिखोगे और उसमें नाम लिखोगे कि वो डिश का नाम या वो सामान का नाम क्या है, तो उसको आप कोल्ड रूम में या फ्रिज में आप रखोगे। नंबर 9, इक्विपमेंट नॉलेज। जो भी इक्विपमेंट आपके डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होते हैं उनको आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, जैसे कि सिंपल एक माइक्रोवेव है उसको चलाना आना चाहिए, मिक्सर है, ग्राइंडर है, कीमा मशीन है, ये सारी चीज़ आपको कैसा उसको चलाना है वो आपको आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 10, स्मॉल ऑर्डर। जो ऑर्डर छोटे छोटे आते हैं उनको आपको अभी यहाँ पे बनाना दिया जाएगा। से बोलेंगे आपको दाल बनाओ, जीरा राइस बनाओ, तो आपको इस टाइम पे आपको सीखने का मौका मिलता है, तो आपको इस टाइम पे आगे बढ़ना है, आपको एक हिम्मत दिखानी है और अपना बेस्ट देना है। आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको बताया 10 पॉइंट जो इंडियन कमिथ्री शेफ को आनी चाहिए। इसको आप धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए, सीखिए, लेकिन आपको एक ही साथ सब काम नहीं करना है। कमिथ्री शेफ और भी है, आप मिल बांट के वहाँ पे काम करेंगे, कभी आप कटिंग करेंगे, कभी आप सेटअप में रहेंगे, तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरा 10 काम एक ही साथ आपको करनी है, नहीं। लेकिन आपको ये 10 काम आपको रोटेशन में जब भी आप काम करते हो तो आपको करनी आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।